हेलो फैमिली। तो आज 31st है और आई थिंक मंडे को मैं एडमिट होने वाली हूँ। पर आज भी मुझे ये ना 9वें महीने से ही मेरे ना पैर इतने पेन में हैं। मुझे इतना पेन होता है पैरों में, मैं ना बैठ सकती हूँ ना खड़ी हो पा रही हूँ। और मुझे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मसल्स, जैसे वो अपनी कोई मसल्स खींचता है तो कैसा फील होता है, बिल्कुल वैसा फील हो रहा है। पेशेंस लेवल अब ख़त्म हो चुका है। अब बस ऐसा है कि पेट फाड़ो या नॉर्मल कराओ, कुछ भी करो, बस बेबी को बाहर ला दो ताकि मुझे भी थोड़ा रिलैक्स फील हो। बहुत पेन, पैरों में तो क्रैम्प्स आ रहे हैं मेरे, और काफी टाइम से मैं ये पेन ले रही हूँ, बट आज ना गिव अप हो रहा है बॉडी। आज इमोशनली भी ऐसा फील हो रहा है कि आज नाना की बड़ी याद आ रही है मेरे को। अब बस बेबी आ जाए, बस देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो घर पे कोई अवेलेबल नहीं था तो ऑटो पकड़ के मैं हॉस्पिटल चेकअप के लिए आई। तो मैडम ने बोला एडमिट हो जाओ, डिलीवरी करवा देंगे आज। तो देव भी फटाफट हॉस्पिटल पहुँचे और हम लोगों को लग रहा था शायद नहीं होगी आज डिलीवरी, शायद एक दो दिन और खींच सकते हैं हम लोग, पर ऐसा नहीं हुआ। मैडम ने हमें एडमिट कर दिया और मैं तो बहुत नर्वस थी। ये लेबर रूम है और ये गणपति बाप्पा मोरया, और ये मुझे वहाँ का पहना दिया था गाउन, और मुझे एंटीबायोटिक देने वाले थे तो यहाँ पे मैंने गाउन पहन लिया है हॉस्पिटल का। और थोड़ी नर्वस थी क्योंकि सडनली सब कुछ हुआ और ये मेरी एंटीबायोटिक्स है। तो यहाँ पे सब निकल रही थी, मैं अंगूठी वगैरह, और आप देख ही सकते हो मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए थे गाइस। बहुत नर्वस थी, फर्स्ट डिलीवरी थी और एकदम सडनली हुआ। बहुत कुछ प्लान किया था पर नहीं हो पाया। तो ये मेरा सबसे बड़ा डर है इंजेक्शन, और पूरी प्रेगनेंसी मैंने इंजेक्शन खाया है सच में गाइस। मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, लेकिन बेबी के लिए लगवाने पड़े इंजेक्शन। तो यस, तो जैसे कि आप सबने देखा मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है, और मुझे इंजेक्शन खाना बिल्कुल नहीं पसंद है। और अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ इसलिए वॉइस ओवर थोड़ा धीरे धीरे कर पाऊँगी, और यहाँ पे सब एंटीबायोटिक्स चढ़ा रहे हैं मुझे, और फिर से मेरी चिक चिक चालू हो गई। तो देव को थोड़ा गुस्सा आ गया था मेरे पे, तो यहाँ पे मैं चुपचाप शांत हो गई हूँ अभी और एंटीबायोटिक लगवा रही हूँ। सो है फैमिली, जैसा हम प्लान करते हैं कभी नहीं होता। मैंने बहुत कुछ प्लान किया था पर कुछ हो नहीं पाया। चेकअप के लिए आई थी एंड एडमिट हो गई। 6 बज रहे, बहुत नर्वस हूँ।
क्या होता है, देखते हैं शूट कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, जुड़े रहिए। सो हमने बर्थ व्लॉग के लिए बहुत कुछ सोचा था पर उसमें से कुछ नहीं हो पाया, पर आप सबके लिए ये छोटा छोटा हमने शूट किया है ताकि हम हमारी जर्नी आप लोग के साथ शेयर कर पाए, क्योंकि आप लोग भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो छोटी बेबी से मिलने का, उसे देखने का, पर मैं भी कर रही हूँ। तो यस, यहाँ पे मुझे लेबर रूम में ले जाने की तैयारी हो रही है। तो यस गाइस, फाइनली थोड़े घंटों के बाद, थोड़े टाइम के बाद बेबी हमारे पास होगा या होगी। तो आप सब एक्साइटेड हो, मैं तो बहुत हूँ गाइस। पर यस, इस व्लॉग में यहाँ तक ही, मैं नेक्स्ट व्लॉग जल्दी लाऊंगी। तो प्लीज़ इस व्लॉग को आप लोग बहुत सारा प्यार देना, मेरे लिए प्रे करना, और शायद ये व्लॉग आप तक आएगा तब तक बेबी आ जाएगा या आ जाएगी। मम्मा और दीव सुपर एक्साइटेड और नर्वस थे क्योंकि सडनली सब हुआ है, और वो डर गए थे क्योंकि उन्हें लगता है मैं बहुत ही छुई मुई टाइप की हूँ, मैं कैसे करूँगी, और बहुत प्यार करते हैं वो लोग मुझसे। तो यस, अब मैं जाऊँगी लेबर रूम में। तो नेक्स्ट पार्ट